जय श्री श्याम मित्रों, खाटू श्याम एक ऐसा धाम है जहां एक बार जाने मात्र से बिगड़े काम बनते हैं, जहां हर हारे को सहारा मिलता है। आपकी कोई भी मन की इच्छा होती है जहां पहुंचने से पूरी जरूर होती है। आज इस चर्चा में आपको शक्तिपीठ के बारे में बताएंगे जहां सिर्फ एक शीश के दर्शन मात्र से आप अपनी सभी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। यह खाटू श्याम बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है, कैसे पहुँचना है, बस व ट्रेन से कितना खर्च आएगा, रुकने खाने पीने की क्या व्यवस्था है, दर्शन किस तरह करने चाहिए, श्याम बाबा की कहानी क्या है, क्यों दिन प्रतिदिन लाखों भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है श्याम बाबा के। खाटू श्याम बाबा की यात्रा शुरू करने से पहले मित्रों जान लेते हैं श्याम बाबा की संक्षिप्त कहानी। आखिर क्यों कहलाए घटोत का पुत्र व माता मौरवी नंदन बरबरी शीश के दानी, और कैसे बने श्याम जग के हारे के सहारे। श्याम बाबा की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। बरबरीक जो कि पांडव पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच व नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे, बचपन से ही बड़े वीर और दानवीर थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 वरदान प्राप्त किए जिनसे वो जैसा चाहे वैसा लक्ष्य भेद सकते थे, एक बार में संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब वीर बरबरीक ने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की इच्छा जाहिर करते हुए माता से हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन लिया। चूँकि उस समय पांडव पक्ष हार रहा था तब माता मौरवी ने वीर बरबरीक से हारे हुए पक्ष की तरफ से लड़ने को कहा। यह वचन लेकर बरबरीक जब युद्ध स्थल पर पहुँचे तो वहाँ कौरवों की हार हो रही थी और पांडव भारी पड़ रहे थे। माता से लिए वचन के अनुसार बरबरीक ने हारे हुए पक्ष कौरवों की ओर से लड़ने का फैसला लिया। यह सब जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण रूप धरकर बरबरीक से उनका शीश दान में ले लिया। दान वीर होने के कारण वीर बरबरीक ने बिना झिझके अपना सिर दान में दे डाला। यह बलिदान देखकर भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर वीर बरबरीक के सिर को अमृत से सींच कर उन्हें अमर करते हुए अपनी सारी शक्तियां प्रदान की और कहा, जब कलयुग बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा तुम्हारा ये शीश अवतरित होगा, लोग तुम्हारे शीश की पूजा करेंगे, मेरी सारी शक्तियां इसमें निहित होंगी और तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे। जो भी भक्त मन से हार के तुमसे कुछ मांगने आएगा तुम सदैव हारे का सहारा बनकर भक्तों के दुख दर्द दूर करोगे। तो मित्रों बोलो श्याम बाबा की जय। आज वही शीश राजस्थान के सीकर जिले में स्थित जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में पूजा जाता है। यहां हुआ कुंड भी है जहां से श्याम बाबा का शीश अवतरित हुआ या निकाला गया। खाटू श्याम आप देश के किसी भी शहर से पहुंच सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले जयपुर आना होता है। जयपुर शहर हर माध्यम से देश के लगभग हर शहर से कनेक्टेड है। यहां नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर में ही स्थित है, यहां से आप डायरेक्ट खाटू बस के द्वारा जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप जयपुर जंक्शन से बाहर आने के बाद 2 किलोमीटर दूर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर जाकर डायरेक्ट खाटू के लिए बस लेकर पहुंच सकते हैं, या फिर जयपुर से ही रिंगस के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। रिंगस जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर व खाटू से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहां से श्याम बाबा के लिए निशान यात्रा आप पैदल चलकर कर सकते हैं। रिंगस में श्याम बाबा का मंदिर भी है, यहां श्याम के धड़ के रूप में पूजा की जाती है। लेकिन अगर आप जयपुर से डायरेक्ट बस द्वारा खाटू पहुंचना चाहते हैं तब आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड पर जाकर 4 नंबर टिकट काउंटर से टिकट लेकर बस से डायरेक्ट खाटू पहुंच जाना है। लगभग 2 घंटे के सफर व 80 किलोमीटर की यात्रा के बाद आप खाटू बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। यहां आप बस स्टैंड से बाहर आने के बाद आ जाइए तोरण द्वार पर जो कि बस स्टैंड के सामने है। यहां चाहे तो पैदल या बैटरी रिक्शा के द्वारा मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। तोरण द्वार से श्याम बाबा का मंदिर लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहां खाटू में रुकने के लिए ढेर सारी धर्मशालाएं व होटल आपको मिल जाएंगे जिनमें एसी व नॉन एसी रूम 300 रूपए से लेकर 1000 रूपए तक मिल जाएंगे, जिनमें आप 4 से 5 लोग स्टे कर सकते हैं। आप मंदिर के पास ही कोई रूम अपने बजट के अकॉर्डिंग लेकर कुछ समय आराम करिए। 300 से 500 रूपए में रूम आराम से अवेलेबल हो जाता है। यहां सामान वगैरह छोड़ने के बाद सबसे पहले आप चले जाएं श्याम कुंड। यहां आप स्नान कर सकते हैं श्याम कुंड में। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है तथा रोग दूर होते हैं। यहां पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान करने की व्यवस्था है, या फिर आप सिर्फ अपने सर पर कुंड का जल छिड़क सकते हैं। श्याम बाबा के दर्शन से पहले श्याम कुंड जाकर आपको स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद आपको किसी प्रसाद शॉप से प्रसाद लेकर श्याम बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में लग जाना है। श्याम बाबा को लड्डू और चूरमे का भोग लगाया जाता है।
यहाँ भीड़ भक्तों की संख्या के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है, फिर भी मान लीजिए दर्शन करने में आपको 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि भक्तों की संख्या के हिसाब से यहाँ लाइन काफी लंबी लग जाती है। श्याम के जयकारों के साथ आगे बढ़ते जाइए और हारे के सहारे से अपनी मनोकामना मांगते हुए दर्शन करते हुए बाहर आ जाइए। यहाँ घाटू में आपको खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती है, 100 से 150 रुपए में आपको भेज थाली मिल जाती है जिसमे आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद आप एक ही दिन में खाटू से वापस भी निकल सकते हैं। वापस तोरण द्वार के पास बस स्टैंड पर जाकर बस से या प्राइवेट कार से या रिंगस या जयपुर पहुंच सकते हैं शाम तक। एक दिन की सुबह से लेकर शाम तक की पूरी यात्रा में लगभग 500 रुपए तक ही प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च आता है। इसमें आपके शहर से जयपुर पहुंचने तक का खर्च व वापस आने का शामिल नहीं है। जयपुर से खाटू तक का किराया लगभग एक तरफ से बस का 80 से 100 रुपए तक होता है। इस यात्रा के विषय में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मित्रों, अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इसी तरह की अलग अलग यात्राओं से जुड़ी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।